अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धनी क्या हुआ? पैर मुड़ गया। एक सेकंड, आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। कौन सा पैर? एक सेकंड, हम देखते हैं। अब नहीं, अब बहुत बहुत दर्द कर रहा है रूप जी। नहीं, आराम से। रूप जी, तुम्हारे पैर पे मोच आई, अगर नहीं देखेंगे तो हम यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये करना जरूरी है। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ध्रुव जी, बहुत दर्द। अच्छा एक काम करो नानी, हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो, कुछ नहीं होगा। पूरे 5 लाख। पर भैया याद है ना, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। अरे कैसे तुम लोग का नाम आएगा, काहे घबरा रही? अरे साहब पैसे मिल गए ना? हाँ, मिल गए। आपने हमें बता दिया होता कि थोड़ा तंगी चल रहा है, वैसे भी सब तरफ मंदी है, हम समझ सकता हूँ, तकलीफ होता है हर इंसान को, हमें बता दिया होता। वो दरअसल जीजा जी थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। काशी को शक तो नहीं हो गया? जी जी, लगता तो नहीं है। साले साहब एकदम से आपको इतना पैसे का जरूरत पड़ गया?
एक सवाल का तीन जवाब, वो भी एकदम से। अब हम क्या बताएं हाँ? हमको रघु ने जो बोला हमने तुम्हें बता दिया। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है, हमारे भैया ने जो बोला वही हमने बता दिया। भैया अब आपको पैसे की क्या जरूरत है वो आप जानते हैं और भोलेनाथ जानते हैं, जरा हमारे महादेव को भी बता दीजिए ना कि आपको इतने सारे पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, काम पैसा उधार क्या हमने। जी दरअसल एक काम शुरू करने के लिए हमने कुछ उधार लिया था, तो अब इन पैसों में से आधा तो हम उधार चुकता कर देंगे और आधे पैसों में एक अच्छी सी पूजा करवाएंगे जिससे कि हमारा काम बढ़िया से चल सके। तो पूजा से क्या, मन में आस्था होनी चाहिए और कर्म करता चल, देखिए कैसे ईश्वर जो है फल ही फल देगा आपको। लबो लबाव ये है कि अगर हमारे साले साहब उर्फ रघुनंदन त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो बच गई आप। हाँ। और अगर झूठ निकला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जिया जी हम आपसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। हाँ। रघुनंदन जी ये आपसे नहीं, ये हमारा इशारा जो है यहाँ था कि थोड़ा सा आजकल इनका दिमाग का मंडी माँ थोड़ा मंदी चल रहा। बाबूजी जरा बाहर आइए, आपसे कुछ जरूरी बात कर ली। जी जी बाल बाल बचे। चल कर देखो एक बार। क्या हुआ? तुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। देखो तानी। अब तुझे अब एक काम कीजिए, आगे आगे चलिए, हम धीरे धीरे आते हैं आपके पीछे पीछे, हम कोशिश करते हैं। आइए। ठीक है। देखो धानी अगर इसी स्पीड में चलती रहोगी तो हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और यहाँ शेर है तुम अच्छे से जानती हो, और तुम अच्छे से जानती हो कि हम इस जंगल में रात नहीं बिताना चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं ध्रुव जी, अब चलिए ना हमारे मारे। इसके आगे कुछ मत बोलना, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी घर जाना है। इसके आगे कुछ सोचने की गलती भी मत करना, बता रहे मैं मंदिर के दर्शन करवाकर हम वापस नीचे आ जाएंगे। हम साथ होकर भी अलग हैं धानी। Thank you.
लगता है बहुत मिन्नतों के बाद इन दोनों की शादी हुई है। अभी तो अपनी पत्नी को गोद में उठा के मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहा है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, काश ऐसा पति सबको मिले। रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधये। हम कुलदेवी के दर्शन सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ करने जाएंगे धानी। माता रानी, हम आशा करते हैं कि ये किरण हमारे और ध्रुव जी के रिश्ते को एक नई राह दिखाएगी। बाबूजी, हमने आज तक आपकी किसी बात पे सवाल नहीं उठाया और अब चुप भी नहीं रह सकते। बहुत गलत कर रहे हैं आप। हम आपको ये गलती नहीं करने देंगे। अपने परिवार से इतनी बड़ी बात छुपा रहे? अगर सृष्टि सही सलामत है, ये सच बाहर आ गया तो क्या होगा? हम इतना जानता हूँ मोहनवा कि हमरे बचवा को ये सच अभी नहीं बता सकता। ध्रुव का शादी धानी बिटिया से हो गया, ये एक सत्य है जो देवों ने लिखा है सृष्टि से भी। और ये सच को हम झुठला नहीं सकते। कितना झूठ बोलेंगे बाबूजी? एक सच छुपाने के लिए कितना झूठ बोलेंगे और किस किस से झूठ बोलेंगे? हमें नहीं पता मोहनवा, हमें नहीं पता। फिलहाल इंसान के हकूक में जो होता है वो हमें नहीं पता। हम सोच सोच के हमारा दिमाग फट जाएगा, लेकिन हम इस बात में विश्वास करता हूं कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान इस धरती पर है, निकलेगा। लेकिन फिलहाल जो हमें दिख रहा है, ध्रुव का शादी धानी से हो गया है और ये सच हमें परिवार से छुपाना है। जब तक हम जिंदा हूं इस परिवार को टूटने से बचाऊंगा और एक बिटिया को बचाने के लिए दूसरे का कत्ल नहीं करूंगा। बाबूजी, अगर सृष्टि ठीक होकर इस घर में आ गई ना, तो इन तीनों की जिंदगी में इस घर में वो तूफान उठेगा, उस तूफान की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे जिम्मेदारी? जाकर दर्शन कर लो। पानी लाने तुम क्यों गई? तुम्हारे पैर पे मूछ है तो? कोई बात नहीं, आप बहुत थक गए। कितनी अच्छी जोड़ी है ना इनकी, देखिएगा माता रानी इनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। दर्द में भी कितनी फिक्र है दोनों को एक दूसरे की। सच कहा, एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना? जाओ, तुम जाकर दर्शन करो। ध्रुव जी, आप यहां तक आ ही गए हैं तो पूजा भी कर लीजिए ना। मतलब आप अपनी पूजा अलग कर लीजिए, हम अलग से कर लेंगे। साथ में करने को नहीं कह रहे,
यहाँ तक आकर भी अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी ना। हम पूजा की थाल लेकर आते हैं। ध्यान से। पापा, पापा ये सब क्या सुन रहे हैं हम? सृष्टि शांत हो जा, शांत हो जा पूजा बिटिया। पर पापा आप जानते हैं ना, अगर ध्रुव भैया को ये सब पता चलेगा तब क्या होगा? नहीं पता चलेगा, नहीं पता होने देंगे हम। पूजा बिटिया आपको हमारी कसम, शांत हो जा, सुनिए मेरी बात। ये 27 दिन तो हम ध्रुव बचवा के सामने इस सच को आने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए हम जमीन आसमान एक कर दूंगा, एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। ध्रुव बचवा को ये नहीं पता चलेगा। ध्रुव बचवा 30 दिन दिया है ना, 30 दिन धानी बिटिया को पत्नी स्वीकार किया है ना, 30 दिन में 3 दिन हुआ और 3 दिन के अंदर ओकरा बात मानना शुरू हो गया। ये देखा नहीं आपने घर के अंदर? क्या पता 27 दिन के अंदर उनके बीच का सब दीवार गिर जाए। नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। ध्रुव भैया धानी को कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ध्रुव भैया और सृष्टि सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं पापा? जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? आपने ज्यादा दुनिया देखी कि हमने? बचवा एक मिनट की लंबी बात सुन लीजिए। ध्रुव बचवा का शादी सृष्टि से हम करने गए था, हम करने गए थे कि नहीं? गए थे। तो हमने सृष्टि को हटा के धानी से शादी हमने कराया? नहीं ना। किसने करा? महादेव ने कराया। ठीक है, मानता हूं प्यार करता, लेकिन जो उसे मंजूर है वही फाइनल होता है, वही पत्थर का लकीर होता है। इसी को तो विधि का विधान बोलते हैं। ये हमारी संस्कृति में हम मानते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। होने दीजिए बचवा, सब उसी का किया धरा है। हमने क्या किया? हम तो कठपुतली मात्र हैं, उससे बेसिक कुछ नहीं है हम। तभी ध्रुव और धानी शादी हुआ, ध्रुव और सृष्टि का नहीं हुआ। काहे से? कि यही उसे मंजूर है, और जो उसे मंजूर होता है उसे दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। ने फैसला कर दिया पूजा बिटिया, हम कोई नहीं होता उनका फैसला बदलने वाला। और यही तकदीर में लिखा था पूजा बिटिया, धानी बिटिया का और ध्रुव बचवा का मिलन। सृष्टि जो है एक जरिया मात्र थी, और जिसने ये रिश्ता लिखा फैसला भी वही करेगी। और एक बार मां ने फैसला कर दिया इस धरती का तख्ता पर कोई वो फैसला बदल नहीं पाएगा। शुंग शुंग मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी बजामी विंध्यवासिनी। ये दो दो थालियां क्यों? शुल मुंड धारणी धरा विघात।
पंडित जी दो अलग अलग पूजा कर रहे हैं। ये नीचे वाली पहली दुकान से लिया सामान क्या? जी पहली दुकान से। उसके दुकान से अक्सर आधे अधूरे सामान मिलते हैं। अब देखिए आधी सामग्री आपकी थाली में और आधी इनकी में, मतलब दोनों की थाली अधूरी है। जब तक सामग्री पूरी नहीं होगी ये पूजा भी पूरी नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करें पंडित जी? पूजा करें कैसे? आप दोनों पति पत्नी है ना? जी, जी। ये लाई। पंडित जी दरअसल हमें दो अलग अलग पति पत्नी के पूजा के लिए एक ही थाली काफी है। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हमारे परिवार पर अपना अच्छा वाला दृष्टि रखें, आशीर्वाद रखें, उनका जीवन सुखमय हो। माता रानी आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखें। आप दोनों पर कभी कोई संकट ना आए।